दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में अब उन्हीं लोगों को सब्सिडी मिलेगी जो इसके लिए आवेदन करेंगे। आज यानी अभी से इसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं, लेकिन इसकी प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू होगी। आइए जानते हैं कैसे। तो कुछ महीने पहले सरकार ने फैसला लिया था कि हम उन्हीं को सब्सिडी देंगे जो अप्लाई करेगा, जो मांगेगा, सरकार से कहेगा कि मुझे सब्सिडी चाहिए, उन्हीं को सब्सिडी देंगे। उस स्कीम को अब लागू करने जा रहे हैं। हमने कहा था कि 30 सितंबर तक ये पुरानी योजना चालू रहेगी, जिन जिन लोगों सब लोगों को सब्सिडी जो दी जा रही है, 1 अक्टूबर से उन्हीं को सब्सिडी मिलेगी जो मांगेंगे, अप्लाई करेंगे। दोस्तों, बता दें कि दिल्ली में बिजली की सब्सिडी के लिए बिजली बिल के साथ एक फॉर्म मिलेगा। ये फॉर्म आप अपने निजी स्थान के पास जो बिजली के बिल का केंद्र है वहां जमा करा सकते हैं। इसके बाद आपको 1 अक्टूबर के बाद की सब्सिडी जारी हो जाएगी। दूसरा तरीका है इलेक्ट्रॉनिक। सरकार ने एक नंबर जारी किया है जिस पर मिस्ड कॉल मारकर आपके पास तुरंत एक लिंक आएगा। इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको व्हाट्सएप पर ले जाएगा, जहां एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म आपको फिल करके भेजना होगा, जिसके बाद आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। ये नंबर है 7011311111। ये नंबर हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। इस नंबर पर या तो मिस्ड कॉल करें या फिर एक मैसेज हाय कर दे, आपके पास फॉर्म आ जाएगा जिसे फिल करके आप व्हाट्सएप कर दे। बता दें कि आपके फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फॉर्म जमा करने पर 3 दिन के अंदर कंफर्मेशन आ जाएगा। 31 अक्टूबर को जितने लोग फॉर्म भर देंगे उन्हें स्कीम का 1 अक्टूबर से फायदा मिलेगा। अगले महीने में फॉर्म भरने पर पिछले महीने का बिल जमा करना होगा। उन्होंने कहा कि इसे लेकर उनकी सरकार घर घर जाकर जागरूकता अभियान भी चलाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।